हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रिप के ऊपर। तो यहाँ पे एक कमांड लगा करके शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल की जब आप लोग कमांड लगा रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो बाय डिफॉल्ट रिप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो 120 रहेगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग स्टैटिक राउटिंग की बात करो तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 1 रहता है। अब चलिए इसको पहले समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है क्या। अब लेट्स सपोज मेरा एक यहाँ पे एक कोई भी एक मेरा राउटर है और दूसरी तरफ एक और राउटर है। तो ये जो मेरा है ये सेंडर है, मतलब ये ब्रांच ए है और ये दूसरी तरफ ब्रांच बी है। अब रस्ते में मेरे पास आईएसबी के द्वारा लगाए गए कई सारे राउटर्स हैं, मतलब यहाँ पे कई सारे राउटर्स हैं। तो नो डाउट आईएसबी में, तो मतलब जो इंटरनेट की बात करें तो इसमें करोड़ों ही राउटर्स हैं, नंबर ऑफ मिलियंस बिलियंस राउटर्स हैं। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान के चलते हैं कि भी ये मेरा एक नेटवर्क है जो इस तरह से कनेक्टेड है। क्लास अभी मुझे क्या करना है, अपने ए राउटर से बी तक फाइल ट्रांसफर करवानी है। मैं चाहता हूं कि मेरे राउटर ए से लेकर के राउटर बी तक फाइल ट्रांसफर हो पाए, तो उसके लिए बेस्ट पाथ सिलेक्शन हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स करेंगे। बट कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट है वो चीज राउटर को बताने के लिए हम लोग एडी वैल्यू सेट करते हैं। अब जैसे स्टैटिक की हमने बताया, मान के चलते हैं कि ऊपर ले नेटवर्क पे कोई भी एक राउटिंग चल रही है स्टैटिक, जिसका जिसकी एडी वैल्यू है, एडी वैल्यू होगी 1। अब इसकी एडी वैल्यू 1 है। अब इस पे कोई एक राउटिंग चल रही है, लाइक मैंने रिप की लगाई या किसी और की लगाई, जिसकी एडी वैल्यू है 120, और दूसरी तरफ कोई और है, लाइक एक और राउटिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज ईआईजीआरपी, जिसकी राउटिंग डिस्टेंस है 90। तो अब इनमें से किसके ऊपर फाइल ट्रांसफर होनी चाहिए आपके हिसाब से, मतलब इसमें जिसकी सबसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। तो यही चीज डिफाइन करने में हेल्प करता है एडी वैल्यू, जिस रूट पे, वो रूट तो बाद की बात है कि कौन से रूट बेस्ट होंगे, लेकिन डिसीजन किसका माना जाएगा वो चीज एडी वैल्यू बताती है। अब जैसे यहां पे रिप लगा दिया, मान के चलते हैं कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल, मैंने यहां पे क्या किया, रिप लगा दिया। तो यहां पे रिप है ऊपर वाले नेटवर्क पे, या रिप नहीं, स्टैटिक ही मान के चलते हैं, स्टैटिक राउटिंग है और यहां पे रिप है, और यहां पे हम लोगों ने दूसरा कोई और EIGRP लगा रखा है। तो तीनों प्रोटोकॉल्स हैं। देखिए तीनों का डिसीजन लेने का तरीका, उनके मैकेनिज्म अलग अलग हैं, तो इस वजह से हम लोग इन तीनों को कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, मतलब उनको कंपेयर करना काफी टफ हो जाता है। तो अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे तो हमें कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल या कोई ऐसी डिसीजन लेने वाला मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा जो हो ही बेस्ट है। तो स्टैटिक हम लोग मैनुअली डिसाइड करते हैं, तो वहां पे तो हमें पहले ही पता होगा कि किसकी बैंडविड्थ कितनी है, इस वजह से हम लोग स्टैटिक के थ्रू ही फाइल ट्रांसफर कराते हैं। तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा उसी को फॉलो किया जाता है हमेशा। तो चलिए रिप के ऊपर सीखते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस उसका कम किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें काम करना होगा, चलिए हमारी टोपोलॉजी में चलते हैं, पैकेट ट्रेसर में। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि मैंने रिप इनेबल कर रखा है और हमारी ये डिवाइसेस जो है वो आपस में पिंग कर पा रही है सक्सेसफुली। तो हमें इसके ऊपर शुरू करते हैं, इस राउटर के ऊपर। तो इस राउटर के ऊपर मैं गया और यहाँ पे इनेबल किया, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर के मुझे राउटर कमांड लगानी होगी, दैट इज राउटर रिप। और राउटर रिप में आप एक कमांड लगाओगे डिस्टेंस, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करना चाहते हो रिप का, तो उसके लिए कमांड आएगी डिस्टेंस स्पेस जो भी आप इनमें से देखिए 1 से लेकर के 255 तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे सकते हो। तो इसमें आप लोग कुछ भी, लाइक अब जैसे बाय डिफॉल्ट तो 120 है, ठीक है, आप इसमें कुछ और सेट कर दीजिए, लाइक मैंने 50 सेट कर दिया। तो उसके बाद डू शो आईपी प्रोटोकॉल की कमांड लगाते हैं। तो यहां पे आप पढ़ सकते हो क्लास, यहां पे देखिए जरा, यहां पे आप पढ़ सकते हो मैंने कमांड लगाई डू शो आईपी प्रोटोकॉल, और जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है मैंने सेट कर दिया इस कमांड से। और नीचे जरा पढ़िए यहां पे कमांड्स में, तो नीचे आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हो लिखा हुआ कि डिस्टेंस जो है दैट इज 50, और यहां पे पढ़ सकते हो डिस्टेंस 50 और डिफॉल्ट 120। तो डिस्टेंस चेंज हो चुका है, चलिए बाकी के राउटर पे भी चेंज कर देते हैं। डू शो, सॉरी इनेबल में जाना है पहले मुझे, देन कॉन्फिगर टर्मिनल,
देन राउटर रिप, देन यहाँ पे हम लोग कमांड लगे डिस्टेंस 50, डू राइट, मैं डू राइट कर देता हूँ ताकि सेव हो जाए, नेक्स्ट राउटर पे भी सेम ही, देन राउटर रिप, देन डिस्टेंस कितना 50, तो क्लास डू राइट, तो चेक कर सकते हैं डू शो आईपी प्रोटोकॉल से यहां पे भी चेंज हो चुका है। अब एक कमांड मैं आपको लगा के दिखाता हूं, कमांड है डू शो आईपी रूट, जिससे रूट्स एडवर्टाइजमेंट उनकी पता चल सकती है। क्लास अब जरा यहां पे पढ़िए कि यहां पे भी एडवर्टाइजमेंट में भी चेंज हो चुकी है वैल्यू, जहां पे आ रहा था 120 अब यहां पे आ रहा है 50। तो क्लास इस चीज को आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब रिप के थ्रू। अब जैसे यहाँ पे वन है, चलिए वन वाले के रूट को हम हटा देते हैं कि वन नहीं है यहाँ पे, जैसे कोई भी एक डिस्टेंस वैल्यू सेट की हमने, लेकिन यहाँ पे एडी वैल्यू हमने सेट कर दी, कोई भी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने सेट कर दी यहाँ पे 110, ये वैल्यू सेट कर दी, और यहाँ पे 90 कर रखी थी और यहाँ पे 120, तो मैंने रिप के थ्रू इसको चेंज कर दिया और अब इसकी एडी वैल्यू है 50। तो क्लास कहाँ से ट्रांसफर होंगी फाइल्स, रिप। तो इस तरीके से आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। तो इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आप लोगों का, तो आप लोग बता सकते हो।